यस, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास व्हेन वी स्टार्टेड प्रोबेबिलिटी? यस सर, आई वाज। ओके, लेट अस वेट फॉर अदर्स टू जॉइन ऑन। So, as far as I remember, we did conditional probability, right? What else we did after that? Sir, questions किए थे। Okay. और multiplication theorem किए थे हमने? No, sir. Sure. Yes, sir. ये था ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम? नहीं सर, नहीं ये था। अरे ये वाला जो थ्योरम था यस सर किया था। ये थ्योरम था ना, एक मिनट, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब क्या है ना? यस सर। सो we are going to study total probability theorem today. It says that if there is an event A, जैसे अगर वेन डायग्राम बनाए तो इसको मैं समझाऊं, ऐसे समझ सकते हो। तो हियर आई हैव ड्रॉन सम इवेंट this event is p1, this event is p2, this event is p3, this is p4, this is p5, this is p6. In general there can be n number of events. What is the important part of this is that this is rectangle is the universal set which is also called a sample space. So if you want to find the probability of an event A, so that event may be like this. This is event A. So this event A, as you can see from the diagram, is overlapped
from some other events like E1, E2, E3 से overlap नहीं हो रहा है, E4, E5, E6 के कुछ parts से overlap हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? If I want to find the probability of the event A, then what happens? कि this probability of A is actually probability of A intersection E1 union A intersection E2 union इस तरीके से सबके साथ union करके A intersection EN n number of events हैं and these events E1 E2 .. EN all these events are mutually exclusive, मतलब कोई किसी के साथ overlap नहीं कर रहा है and exhaustive. exhaustive का मतलब ये हो गया कि सबको मिला के हम sample space create कर रहे हैं. mutually exclusive and exhaustive. as I can write here. this can be downward also. So what am I saying is that कि अगर हम E1 से लेके EN तक के elements की बात करें तो all of these events are mutually exclusive and exhaustive. mutually exclusive का मतलब ये हो गया कि कोई भी event EI का अगर किसी दूसरे इवेंट EJ के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दैट विल बी 5, कीपिंग इन माइंड दैट I इज नॉट इक्वल टू J. और अगर हम सारे इवेंट्स का यूनियन ले लें तो उस केस में दैट विल गिव यू द सैंपल स्पेस. सो दिस फर्स्ट थिंग टेल्स दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकंड थिंग टेल्स अस दैट इट इज एग्जॉस्टिव. इज दिस क्लियर? यस. नाउ if we proceed further, so this can be written as P of A intersection E1 plus P of A intersection E2 .. P of A intersection EN. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं बता सकते हो? जो सेट का यूनियन है वो सिंपली एडिशन में चेंज हो गया. ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑल ऑफ दीज सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये जितने भी सेट्स हैं ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो इंटर जब भी हम जैसे दो का लेते थे ना, इफ यू रिमेम्बर प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिखते थे? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी. तो दिस विल बी सिंपली पी ए प्लस पी बी. उसी तरीके से यहाँ पर अगर सारे जो सेट्स हैं वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो सिंपली यूनियन विल चेंज इनटू एडिशन. इज दिस क्लियर? सर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब अगर तुम सबका यूनियन लोगे E1 से लेके EN तक, तो दैट इज कवरिंग द होल सैंपल स्पेस. इज इट ओके? यस. तो अब अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे सारे टर्म्स में वन बाय वन. तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ E of E1, इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे. E of A upon E1, ये मैंने ये जो पहला वाला है ना उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लगा के ऐसे लिख के लिखे. इज इट ओके? उसी तरीके से दूसरा वाला जो होगा वो होगा पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू. और इसी तरीके से हम सारे को अगर ऐड कर रहे हैं तो सबका पी ऑफ ई एन इंटू पी ऑफ ए बाई ई एन.
दिस इज वट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे. पहले इतना लिख लो, ये मैंने आज वन नोट में पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अगर तुम लोगों को कोई डिफिकल्टी होगी तो बताना. मुझे लगता है ये बेटर है वैसे जूम के व्हाइट बोर्ड से. हेलो. यस सर. तो ये इतना पहले नोट कर लो, या अगर तुम चाहते हो कि इसको बाद में नोट करना, तो सिंस इट विल बी ऑन वन नोट आई विल शेयर इट आल्सो, तो बाद में भी नोट कर सकते हो जैसा तुम्हें बेटर लगे. सर ये फाइनल फॉर्मूला है ना कि? हाँ ये फाइनल फॉर्मूला. दिस इज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सेज. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग देखेंगे. So if I take out some question on total probability theorem, one second. Yes, so the question here says if 40% of boys opted for maths, and 60% of girls opted for maths. Then what is the probability that maths is chosen? If half of the class's population is girls. Try it, please. पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से लेने हैं, और फिर उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है. तो थोड़ा ट्राई कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा.
इसका मैं वेन डायग्राम बना दूं, थोड़ा सा क्लियर होगा तुम्हें जब भी ट्राई कर रहे हो। यस कह रहा 1/2 लिखते हैं सर। इसमें दो इवेंट हैं, आवाज बहुत धीमे आ रही है। पहले ये बताओ कि इवेंट ए किसको लेंगे। इवेंट ए इज इवेंट ऑफ चूजिंग मैप, ये जो हमें निकालना है, ए में निकालना है कि बॉय है कि गर्ल। सर ई होगा कि बॉय है कि गर्ल है। हाँ, उसको प्रॉपरली हमें लिखना पड़ेगा। इवन इज इवेंट ऑफ चूजिंग मैप, इवेंट ऑफ चूजिंग बाय बॉय, और ई टू जो होगा वो होगा इवेंट ऑफ चूजिंग बाय गर्ल। तो दो ही इवेंट है, एक क्लास में या तो बॉय चूज कर रहा होगा या तो गर्ल चूज करती होगी, और कोई तो है नहीं। जैसे हमें एन इवेंट्स दिए थे, E1, E2, EN, यहां पर दो ही इवेंट्स है। तो एक है E1 और एक है E2, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। क्योंकि बॉय अगर चूज कर रहा है तो वो एक अलग इवेंट है, गर्ल अगर चूज कर रही है तो वो अलग इवेंट है। सेम चीज, एनी पर्सन कैन नॉट बी अ बॉय एंड अ गर्ल सेम टाइम, इसलिए कोई उसका इंटरसेक्शन है नहीं। दूसरा, ये दोनों मिला के सैंपल स्पेस बन रहा है क्योंकि या तो क्लास में बॉय होगा या गर्ल होगी, कोई तीसरा तो जेंडर है नहीं। तो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इज दिस क्लियर फर्स्ट? यस। अब इसके बाद जो ए इवेंट है वो एक अलग इवेंट है जो कुछ पार्ट ई टू से भी आ रहा होगा, कुछ ई वन से भी आ रहा होगा, दैट इज इवेंट ऑफ चूजिंग मैथ। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग मैथ, तो फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो मैं फिर से पूरा डिराइव नहीं करना है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ा। ठीक है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई। ठीक है, यहाँ पे दो ही हैं, E1, E2, तीन होते तो E1, E2, EN, E3 तक जाता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो व्हाट इज इवन? इवन इज इवेंट ऑफ चूजिंग बाय बॉय, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक बॉय चूज कर रहा होगा, दैट प्रोबेबिलिटी इज हाफ, क्योंकि 50% बॉय है 50% गर्ल है। इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैथ इज चूजन इफ अ बॉय इज चूजिंग इट, तो अगर बॉय इसको चूज कर रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैथ चूज करेगा, वो है 40% प्रोबेबिलिटी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बाय गर्ल, तो जितनी गर्ल्स उतनी बॉयज है, हाफ है ना, तो गर्ल्स की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग मैथ्स व्हेन अ गर्ल इज चूजिंग इट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, दैट वुड बी 60/100। ये हो जाएगा हाफ, कॉमन ले लो, 40/100 प्लस 60/100 करोगे तो 100/100 हो जाएगा, विच इज 1। सो यस, हाफ इज द प्रोबेबिलिटी। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। A problem is given to 5 students PQRST
The problem is given to 5 students, PQRST. If the probability of solving the problem individually is 1/2, 1/3, 2/3, 1/5, 1/6, respectively, then find the property that the problem is solved. Try करना. I'm coming in 5 minutes. So if I try कर लो, a proper step by step.
सॉरी फॉर स्लाइट डिले, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा ना। यस, शुड वी डिस्कस? यस। The event A is actually probability that the problem is solved. A जो event है वो हो गया event, probability नहीं, event that the problem is solved. और even event क्या हो गया कि problem is given to P. Problem किसको दिया गया? वैसे E2 का मतलब हो गया problem given to Q, E3 का मतलब हो गया problem given to R, E4 मतलब problem given to S, E5 मतलब problem given to T. So what is the probability that problem is solved? So by total probability theorem, we have P of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. Similarly, इस तरीके से हम पांचों के साथ करेंगे. So what is the probability of E1? मतलब what is the probability that problem given to P? तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस ये कहा गया है कि problem is given to five students. तो सबको देने की जो probability है वो बराबर बराबर है. इसका मतलब है 1 by 5 is the probability that it is being given to P, 1 by 5 to Q, similarly 1 by 5 to R, similarly for S and T. So what we will do? अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना होगा तुम्हें कि ये जो E1 event है और जो E2 event है, हाँ ठीक है, उसका intersection तो 5 होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम जब इवन को दिया गया है तो ई टू को नहीं दिया गया, और जब ई टू को दिया गया है तो इवन को नहीं दिया गया. एक बार तुम चेक भी कर सकते हो वैसे, अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लें वो वन नहीं है, इसका मतलब यह है कि सबको एक साथ दिया गया है. ओके एक साथ दिया गया है, उस केस में हम क्या करेंगे? Probability of A इसका सैंपल स्पेस, देर आर फाइव इवेंट्स. नाउ दोज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पी भी सॉल्व कर ले और क्यू भी सॉल्व कर ले. इसको हमें टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम के रूप में अगर लाना है करते हैं, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय इवन. बात तो चलेगा, लेकिन उसका इंटरसेक्शन तो होगा.
को फिर ऐसे समझना होगा, ठीक है यहाँ पर तो भी हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी कंफ्यूज है, so this will become probability of E1 into probability of A by E1, इसी तरीके से बाकी सब कभी हम करेंगे। What is the probability that it is given to E1? That is 1/5. What is the probability that it will be solved if it is given to E1? That is actually 1/2. The probability of E2 अगर हम ले रहे हैं तो that is also 1/5, and if it is being solved by second person then it is 1/3. फिर उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 1/5 इंटू 1/5 है, उसके बाद 1/5 इंटू 1/6 हो जाएगा। If you take 1/5 as common, half plus 1/3 plus 1/3 plus 1/5 plus 1/6 हो जाएगा, which is 1/5 into ये हो जाएगा LCM 5/3 50 plus plus 5. What is the final value which you are getting is 5 into 15, 10, 20, 55, 55, 56 upon 30. So we further अगर तो simplify करते हो तो this will become 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। लेट मी चेक द आंसर वंस। 0.37 इज दिस 0.37, तो द चेक कर लेते हैं। 28 को अगर हम 75 से डिवाइड कर रहे हैं हो जाएगा 75 × 3, 15 × 1 कैरी 225, ये हो जाएगा 55 और 0 डाल देंगे 7 × 5 = 35 3। तो रफली ये 3.37 ही होगा, तो 2 decimal places में इसको लिखा जाए दिस विल बी 0.37। इसका क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज करना तो वही है, टोटल प्रॉब्लम थ्योरम ही लगाना है। इसमें ये बोला गया था कि द प्रॉब्लम इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसको इसको सेपरेट कर दे रहे हैं कि हर स्टूडेंट को सेपरेटली दिया गया है और हर स्टूडेंट को देने की प्रॉब्लम 1/5 कर दे रहे हैं, तो उस केस में हम टोटल प्रॉब्लम थ्योरम लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? यस यश अभिनव और कोई भी था लगता है लेफ्ट कर दिया, मनासविन मनासविन लेफ्ट कर दिया। ओके क्लियर सर। ये तो तुम नोट कर लेना, ये शेयर कैसे करना होगा कुछ आइडिया इसमें से? शेयर अगर मैं करूंगा ठीक। सो आफ्टर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम
जो लास्ट टॉपिक है, लेकिन दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिकली दिस सेक्शन, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग जो करते हैं वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रैंडम वेरिएबल करते हैं और बर्नौली ट्रायल करते हैं। ये एक अलग सेक्शन हो गया। अगर तुम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को दो सेक्शन में डिवाइड करो तो पहले सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेस थ्योरम, जो अभी हम लोग करेंगे। So what happens in Bayes' theorem? कि जो भी हमारा इवेंट, जैसे प्रोबेबिलिटी का भी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा कि कोई भी हमारा इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हमें मिल जाता है अगर, n mutually exclusive and exhaustive events. जैसे कि टोटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और कोई एक इवेंट ए है जो ओवरलैप कर रहा होगा कुछ इवेंट से, कुछ से नहीं भी कर सकता है। तो जनरली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, लेकिन बेस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि जो कॉज है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर इफेक्ट हो गया है तो। ठीक है, उल्टा तो हमें करने आता है कि अगर कॉज हो गया है तो इफेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसका उसके मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो कैंसर है दैट इज अ कॉज और जो डेथ है दैट इज द इफेक्ट। तो अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसके मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना एक सीधा काम है। लेकिन अब हम बेस थ्योरम में उल्टा करेंगे कि अगर कोई पर्सन मर गया है तो वो कैंसर से मरा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जो इफेक्ट हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो हम उससे किसी कॉज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको लैंग्वेज में या कोई थोड़ा आसान सा एग्जांपल लूँ, डेथ वगैरह का, कैंसर का तो कुछ अजीब सा एग्जांपल हो गया, डर लग जाता है। कुछ और एग्जांपल सोचते हैं, जैसे मान लो कि एक टीम है, दो टीम है जो आप एक दूसरे से फुटबॉल खेल रही है, दोनों में 11-11 प्लेयर हैं। तो एक तो ये है कि अगर कोई पर्सन है हेमंत, अगर हेमंत ने पेनल्टी ली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गोल होगा। सीधी बात हो गई, हेमंत का हम पास्ट जितना भी रिकॉर्ड है देख लेंगे और देखेंगे कि उसने कितनी पेनल्टी आज तक सक्सेसफुली की है और कितनी पेनल्टी उसकी मिस हो गई है, उससे हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि जो पेनल्टी है उसकी क्या, जो गोल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर तुमसे कोई उल्टा कहे, तुमसे ये कहे कि अगर गोल हो गया है तो ये बताओ कि हेमंत ने गोल किया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये उल्टा हो गया। मतलब इफेक्ट हो गया है, अब तुम्हें कॉज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग इट? यस यस सर। ओके, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो इवन से लेके ईएन तक है ये सारे के सारे कॉजेज है, दीज आर द कॉज, और एक ए इवेंट है व्हिच इज एक्चुअली इफेक्ट। तो अभी हम क्या निकाल रहे थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट बिकॉज ऑफ एनी वन ऑफ दोस कॉजेज। अब हम क्या निकालेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, सपोज पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू when effect A has happened, मतलब effect हो गया है, goal हो गया है, अब ये बताओ कि हेमंत ने ही goal किया होगा, इसकी क्या probability? इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं derivation बता देता हूँ, फिर final result हम लोग देखेंगे और फिर उसको हम tree diagram से भी solve कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P of E2 intersection A by P of, जो भी
कंडीशनल प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ पी टू इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई पी अपॉन प्रॉबिलिटी ऑफ ए। और ये जो प्रॉबिलिटी ऑफ ए है ये बाई टोटल प्रॉबिलिटी थ्योरम क्या बनेगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, इसी तरीके से प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, एंड तक जाएंगे प्रॉबिलिटी ऑफ ई एन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई एन। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसमें तो हमने टोटल प्रॉबिलिटी थ्योरम लगा दिया, और ऊपर में हमने स्लाइटली चेंज क्या किया है वो ध्यान रखना। यहाँ पर हमें निकालना क्या है प्रॉबिलिटी ऑफ पी टू व्हेन ए हैज हैपेंड, जो निकालना सीधा काम नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर प्रॉबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैज हैपेंड ये लगा दिया बाय प्रोसेस। इज दिस क्लियर, द प्रोसेस क्लियर? यस। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं सम क्वेश्चन, लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज ये एक क्वेश्चन है जो तुमको थोड़ा हेल्प करेगा इनिशियली बेस थ्योरम को समझने में। अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटा नगर और कलकत्ता। अ लेटर इज नोन टू हैव कम either from Tata Nagar or Calcutta on the envelope just two consecutive letters T A are visible. What is the probability that the letters came from Tata Nagar? एक बार try करना। क्या हो रहा है कि टाटा नगर में भी टीए आता है, दो बार आता है, और कलकत्ता में भी टी आता है, एक बार आता है। तो बस टी ए लिखे होने से हम ये श्योर नहीं कह सकते कि ये लेटर जो आया है वो टाटा नगर से आया या कलकत्ता से आया। तो हमें क्या करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टाटा नगर से ही आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। यू आर गेटिंग द क्वेश्चन ना? यस सर। राइट वंस। Yes, she's saying 2 by 3. Let others also solve it.
क्या बोल दो? 0.6 तो अगर हम इसको फॉर्मूला हमने अभी किया है उससे देखें तो क्या हो रहा है कि जो TA है दैट इज कमिंग फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कैलकटा, ठीक है। तो हमें निकालनी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, हम बोल देते हैं इवन, इवेंट को ई टू और इस इवेंट को ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर कमिंग फ्रॉम टाटा नगर इफ टी ए इज विजिबल, मतलब इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉज की क्या प्रोबेबिलिटी जब हमें इफेक्ट दिख गया। इसको हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला ई ऑफ इवन इंटू टी ऑफ A upon even divided by P of even into P of A by even plus P of E2 into P of A by E2 like this। तो अगर ऐसा हम देखेंगे तो पहले denominator के terms को देख लेते हैं। P of even मतलब probability that the letter has come from Tata Nagar, so are the probability, and probability that TA is seen if it is come from, it has come from Tata Nagar। So agar Tata Nagar se aaya hai to TA ke dikhne ki kya probability hai, do consecutive letters ki baat kar rahe hain, to isko tum thoda alag se yahan pe nikal lo ki ye consecutive letter jo hoga A, A, T, T, A, A, N, करते हैं तो फाइनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ टोटल कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हमें मिल सकते हैं जिसमें से टी ए और टी ए दो बार मिलेगा। इज दिस क्लियर? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू के होने की प्रॉबिलिटी भी हाफ है, मतलब कलकत्ता से आ रहा है इसकी भी हाफ प्रॉबिलिटी है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, तो दोनों जगह से आने की प्रॉबिलिटी बराबर है। और अगर कलकत्ता में हमें टीए दिख रहा है तो कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम इसको क्या लिखेंगे 1/7 क्योंकि यहाँ पे टीए एक ही बार तुम्हें दिखेगा, टाटा नगर में दो बार दिख रहा है, कलकत्ता में एक ही बार है। और कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स जो हम देख सकते हैं कलकत्ता में वो 7 है और जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स टाटा नगर में देख सकते हैं वो 8 है। और ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में यही वाला जो टर्म हमने फर्स्ट वाला लिखा है ना, यही वाला जो टर्म ऊपर में भी आता है 1/2 × 2/8। इन दैट केस इसको हम सॉल्व करेंगे या तो इसको डेसिमल में रखा होगा या फिर देख लेते हैं फ्रैक्शन में रखा होगा। फ्रैक्शन में ही रखा है, फ्रैक्शन में रखते हुए इसको करते हैं ऊपर में इससे हो जाएगा 8/8, 2/2 कैंसिल हो रहा है, नीचे में इससे हो जाएगा 56 हो जाएगा 7 तुम्हारा आंसर जो तुमने लाया वो पता नहीं कैसे लाया, लेकिन वो आंसर होगा नहीं, 7/11 इज द आंसर जिसकी। अगर कोई डाउट किसी स्टेप में है तो पूछ सकते हो।
दिस क्लियर? यस। अब इसी को हम लोग ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं। ट्री डायग्राम क्या कहता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो एक्सपेरिमेंट है और इसके कई सारे ब्रांचेस हैं। यहाँ पे दो ब्रांचेस थी, वन टाटा नगर, ई टू कलकत्ता, और इफेक्ट जो है यहाँ पर आ रहा है विच इज अपीयरेंस ऑफ टीए। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जगह हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम टाटा नगर, हाफ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज कमिंग फ्रॉम कलकत्ता, वो भी हाफ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट TA will be seen if it has come from Tata Nagar, वो हमने अभी निकाला था 7/2/8, right? And what is the probability that TA will be seen if it is from Calcutta? तो ये 1/7 था। अब हम क्या करते हैं कि जो ब्रांच की हमें प्रॉबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें निकालनी है, मान लो नहीं दिया ही हुआ था, प्रॉबेबिलिटी ऑफ E1/8 ये हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाएंगे, E1/A वाला ब्रांच ये है, और इसके दोनों वैल्यूज को हाफ और वन और 2/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय। अब हम नीचे में सारे ब्रांचेस को इसी तरीके से करेंगे, मतलब पहला ब्रांच हाफ इंटू 2/8 हो गया, और दूसरा जो ब्रांच है ये वाला वो हाफ इंटू 1/7 हो गया, और इसको फर्दर सॉल्व करके हमें वही आंसर मिल जाएगा। तो हमें इतना ज्यादा ऊपर में जैसे हमने ये पूरा लिखा है ना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी चीज को हम डायग्रामेटिकल कर सकते हैं। इस इट ओके? Let us see one more question on Bayes theorem. Bayes theorem काफी important है और JEE Advanced में इससे questions आने की बहुत high probability रहती है। A man speaks truth 3 times out of 5. He states that in a toss of 6 coins, there were 2 heads. यहाँ पर हमें इवेंट बहुत ध्यान से लेना होगा। What is the probability that this event actually took place? ट्राई करना एक बार।
What is the probability that this event actually took place? Matlab ki, what is the probability that he has spoken truth? अगर तुम ट्री डायग्राम बनाओगे तो वो होगा वी हैव स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम 6 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा हमें, जैसे दिया हुआ है कि देयर वर टू हेड्स, तो टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी मतलब टू हेड्स इवेंट हो जाए या फिर नॉट हेड्स हो जाए, ठीक है। या तो टू हेड होगा या तो नॉट होगा, जिसमें एक हेड भी हो सकता है, जीरो हेड भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारी पॉसिबिलिटी इस वाले में हमने कवर कर ली है और टू हेड की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कवर कर ली है। मतलब यही दो इवेंट होंगे, एक इवेंट को तुम ई वन कह दो, एक इवेंट को ई टू कह दो। तो ई वन क्या है कि इवेंट ऑफ कमिंग टू हेड्स, ई टू क्या है इवेंट ऑफ नॉट कमिंग ऑफ टू हेड्स, उसमें बाकी सारे आ गए। जिसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि वो हमें क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो रिपोर्टिंग वो जो कर रहा है हमें, वो कर रहा है देयर वर टू हेड्स। वो रिपोर्टिंग जो है वो जो हो रही है पर्सन के द्वारा वो है टू हेड्स की रिपोर्टिंग। हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात है, रिपोर्टिंग यही हो रही है कि दो हेड आए हैं। तो उस केस में दिस इज द इवेंट ए। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. अब हम क्या कर रहे हैं, सब ब्रांचेस को उसकी प्रोबेबिलिटी अलॉट कर रहे हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो जब हम 6 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती है वो बन सकती है 2 टू दी पावर 6।
ठीक है, मतलब हर हर एक टॉस से दो पॉसिबिलिटी आती है, हेड और एक टेल, अगले टॉस से भी दो पॉसिबिलिटी आएगी हेड और टेल, इस तरीके से सिक्स प्लॉट टॉस तक की दो प्रॉब्लम आएगी हेड और टेल। तो टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो 2 to the power 6 विच इज एक्चुअली 32 पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से वो पॉसिबिलिटी कि दो हेड आ रहा हो वो कितनी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 में से 2 हेड आया है, तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट एनी 2 टॉसेस आउट ऑफ द 6 टॉसेस इन 6 C2 ways, और फिर आप इसकी जगह तो ये भी कर सकते हो, अभी ये मत करो, अभी इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी तुम ये करो, एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वो अभी नहीं करो। अब पॉसिबिलिटी क्या, 2 हेड आ रहा हो तो हाउ मेनी वेज आर देयर, तो पहले में हेड आ रहा हो और दूसरे में हेड आ रहा हो तो देर, या फिर पहले में तीसरे में, ऐसे से अगर हम काउंटिंग करके करते हैं तो पहले के साथ जो पेयरिंग होगी वो दूसरे की हो सकती है, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, सिक्स की, पहले के साथ की 5 के साथ पेयरिंग हो सकती है, दूसरे की पहले से तो हमने काउंट कर रखा है तो तीसरे से हो सकती है या चौथे से हो सकती है, पांचवे या छठे से, मतलब 4 पेयरिंग हो सकती है। तीसरे की पेयरिंग अगर तुम करना चाहो तो वो 3 से हो सकती है, और चौथे की 2 से, पांचवे की 1 से, तो जो 2 हेड आने के नंबर ऑफ वेज होंगे वो हो जाएंगे 15, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 15/32 दो हेड आ रहा हो, तो 2 हेड नहीं आ रहा हो उसकी प्रॉपर्टी, तो बाकी जितने भी बचे 32 - 15 दैट इज 17/ आर यू गेटिंग दिस? हेलो, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? यश वो तो चला ही गया, यश ये समझ में आया? यस सर। तो अब जब 2 हेड आ गया है और रिपोर्ट कर रहा है कि 2 हेड आ गया है, मतलब वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/5। और झूठ बोलने की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2/5, तो ये होगा। तो उस केस में अब हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट एक्चुअली टुक प्लेस, मतलब हमें कौन सा ब्रांच में इंटरेस्ट है, हमें इस ब्रांच में इंटरेस्ट है कि 2 आया भी हो और उसने रिपोर्ट भी किया हो कि 2 है, तो हम जब करेंगे कैलकुलेट 15/32 × 3/5 / 17/32 × 2/5, is this clear? Yes. 32 × 5 जो भी ऊपर नीचे LCM आ जाएगा, तो ये जाएगा 45 ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 45 + 34, हो जाएगा 45/79, ये तो मेरे ख्याल से 5 इतना ही रहेगा, बोल रहे हैं 3/5 और झूठ बोलने की 2/5, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वो केयरलेस मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2/6 जो होता है वो होगा 32 नहीं होता है, वो 64 होता है।
this will be 64. 2 into 2, 4, 4 to 8, 16, 32, 64. You get 15 upon 15 upon 64, and ये हो जाएगा 49 upon 64, तो सब remaining जो है ये हो जाएगा. This will become 64 है, 64 है, 64 है, और ये जो है the answer would become 45, 49 into 2 8 हो जाएगा. ये आंसर दिया हुआ है. ठीक है, अभी ना तुम कहाँ चले गए थे? एनीवेज, इज दिस क्लियर यश? क्लियर सर. वो गलती से 2 अपॉन 6 को 32 लिखता था, 64 होना था. Let us see one more question on this theorem. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, ये सारे टॉपिक देखेंगे. बर्नौली स्ट्रैंड, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, द प्रोबेबिलिटी डॉक्टर एक्स विल डायग्नोस डिजीज करेक्टली इज 0.6, द प्रोबेबिलिटी that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 0.4, probability that a patient will die by wrong diagnosis
0.7. Patient of Dr. X died. What is the probability that he was correctly diagnosed? By Dr. X. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं होता, बेस्ट करो। अगर तुम ट्री डायग्राम से करोगे तो फटाफट। Should we discuss, Yash? Yes, sir, please. Okay. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो तो उसको जो पेशेंट है जो डाई जो मर गया है उसके लिए दो ऑप्शन था, या तो डॉक्टर एक्स ने उसको करेक्टली डायग्नोस किया हो या उसको करेक्टली डायग्नोस नहीं किया। स्टार्ट करते ही सबसे पहला हो गया करेक्ट डायग्नोसिस, हो गया
लेकिन जो उसकी डेथ हुई है वो दोनों तरीके से हो सकती है, करेक्ट डायग्नोसिस के बाद भी हो सकती है और रॉन्ग डायग्नोसिस के बाद भी हो सकती है। अब हम प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं कि डॉक्टर एक्स विल डायग्नोस डिजीज करेक्टली 0.6, करेक्टली डायग्नोस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, और ऑब्वियसली जो रॉन्ग डायग्नोसिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.4, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। और फर्दर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई बाय स्टेटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 0.4, तो करेक्ट डायग्नोसिस से डेथ होने की पॉसिबिलिटी है 0.4 की, और रॉन्ग डायग्नोसिस से डेथ होने की पॉसिबिलिटी है 0.7 की। इज दिस ट्री डायग्राम क्लियर? यस। अब क्या हुआ कि हम जो ब्रांच यहां पर ले रहे हैं वो है कि he was diagnosed correctly, तो ये वाली ब्रांच ले रहा है, तो इसकी जो प्रॉब्लम हो जाएगी 0.6 × 0.4 × 0.4 × 0.7 + 0.6 × 0.4, आगे पीछे लिखिए एनवीएस को दिक्कत नहीं की बातें हैं, हो गया 0.28 6/13 should be your answer. चेक कर देता हूँ। ठीक है, so is this clear? Yes. तो अब तुम्हें बेस थ्योरम क्वेश्चंस और थोड़ा प्रैक्टिस करने होंगे, और उसके बाद हम लोग जो अगला टॉप सेक्शन है और उस पर आ जाएंगे। सो लेट अस कंक्लूड टुडेस सेशन। थैंक यू सर।